लाइव टीवी एस प्लस द नंबर वन न्यूज चैनल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस। आपके साथ में हूं अंशु। पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार बलरामपुर पुलिस कर रही ताबड़तोड़ कार्रवाई। चोरी की 3 बाइक के साथ बादशाह पुत्र अजीत हुआ गिरफ्तार। उसके पास 1 बोर का कट्टा कारतूस हुए बरामद। बताते चले मामला देहात कोतवाली बलरामपुर के क्षेत्र विशनपुर गांव का है। नवागत पुलिस अधीक्षक हेमंत कुटियाल के आने से बलरामपुर में अपराध को रोकने में पुलिस सफल हो रही है। सूचना के आधार पर आज सुबह 6:40 पर पुलिस को सूचना मिली कि बादशाह पुत्र अजीज एक पल्सर बाइक के साथ निकला था। अभी उसको पुलिस ने घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया। देखते हैं पुलिस। विधिक कार्रवाई के साथ पुलिस टीम वरिष्ठ उप निरीक्षक शंभू सिंह, उप निरीक्षक धर्म प्रकाश सिंह, आरक्षी उदय भान यादव, भला सिंह आरक्षी की टीमों ने किया गिरफ्तार। आपको बताते चले गिरफ्तार अभियुक्त बादशाह पुत्र अब्दुल अजीज निवासी बिश्नापुर थाना कोतवाली देहात का बताया जा रहा है, जिसके पास 3 अदद मोटरसाइकिल, बजाज पल्सर, टीवीएस स्टार सिटी, टीवीएस मोपेड, अवैध तमंचा 12 बोर व कारतूस 12 बोर बरामद किए। गिरफ्तारी करने वाली टीम का विवरण कुछ इस प्रकार है। वरिष्ठ उप निरीक्षक शंभू सिंह, उप निरीक्षक धर्म प्रकाश सिंह, महेंद्र बहादुर सिंह, आरक्षी उदयभान सिंह, आरक्षी भोला सिंह। बलरामपुर से संवाददाता अनिल शुक्ला की रिपोर्ट। आज दिनांक 4 जनवरी को कोतवाली देहात थाने की पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर बादशाह पुत्र अजीज अब्दुल अजीज निवासी बिश्नापुर को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से 1 बिना नंबर की मोटरसाइकिल और 1 तमंचा वजनदार कारतूस भी बरामद हुआ। अभियुक्त की निशानदेही पर ग्राम बिश्नापुर से 2 अन्य मोटरसाइकिलें बरामद हुई। कुल 3 मोटरसाइकिलें जिनका विवरण 1 पल्सर मोटरसाइकिल, 1 टीवीएस स्टार व 1 टीवीएस मोपेड की बरामदगी हुई है। इस संबंध में थाना स्थानीय पर आवश्यक धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल की बड़ी खबरों में बस इतना ही, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बाकी के अपडेट्स के लिए लगातार बने रहिए लाइव टीवी एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।